चैप्टर इजी चैप्टर नहीं है, इतना मान के चलो इजी नहीं है, लेकिन इजी कब होगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ये मेरी गारंटी है कि आप लोग किसी भी सर से पढ़ लो, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्लियर है बातें, यस सर, बताओ भाई यस सर। क्या बोल रहे हो आप लोग। यस सर, आने देते यार, 1-2 मिनट और रुकते हैं। ये बताओ कितने लोग बायो से हो, दो और भी, त्रिशा आप भी हो ना बायो से, और भी कोई है। चलो कोई बात नहीं, सेम चीज है, सेम चीज है, कोई अलग नहीं है। बस यही है कि आप लोग को बायो लेवल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जेई वालों को जेई लेवल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोग को सेंड कर दिया है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार मैं अपने फोन से भी ज्वाइन हो जाऊँ। एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन कर, हाँ जी, किसी को कोई कुछ पूछ रहा है क्या। देखो भाई, देखो इस चैप्टर का पूरा मतलब क्या है, हेलो एल्केन, और क्या बोला है, हेलो एरिन। सीधी सी बात है, आओ इस चैप्टर का मतलब मैं बताता हूँ, क्या लिखा है, हेलो ओके एल्केन, और दूसरा क्या लिखा है, हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। एरिन्स, अब सीधी सी बात, देखो एल्केन का क्या मतलब हुआ, एल्केन का मतलब कुछ इस तरह हुआ, सी एच थ्री कुछ ऐसे एल्केन हुआ, या फिर आप CH4 बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, CH3 CH2 CH3 ऐसे बोल सकते हो क्या एल्केन। और सिंपल सी बात है, हेलो का क्या मतलब हुआ, कोई भी एक्स ग्रुप। अब कौन कौन से आते हैं बच्चों, बताओ भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन, और आयोडीन। तो इसका मतलब क्या है, हेलो एल्केन का मतलब कुछ इस तरीके से हुआ, CH3 CH2 Cl, या फिर आप वैसे बोल सकते हो CH3 Br, मतलब कोई एक एल्केन ग्रुप होगा और उस पे क्या होगा, हेलो ग्रुप होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। क्या बातें, सबको क्लियर है क्या। यस सर, बताओ भाई कुछ भी बोल सकते हो, आयोडीन वगैरह कुछ भी बोल सकते हो। तो क्या ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन का मतलब, हेलो एल्केन का मतलब समझ आ गया। अब देखो, अब एरिन्स का मतलब हुआ एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में कोई भी कंपाउंड आ जाता है, सबसे ज्यादा कौन आता है, बेंजीन आता है, कौन आता है, बेंजीन आता है। उसके ऊपर आप कोई हेलो ग्रुप लगा दोगे, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और क्लोरीन, कुछ भी लगा दोगे, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, हेलो एरिन। क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस चैप्टर का मतलब समझ आ गया, किस ना किस लिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन रखा गया। हमको स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर का नाम ही का मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में बच्चों क्या होता है कि एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, मैंने आपसे बताया था कार्बोनिल ग्रुप कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O। अब देखो, जैसे कि मैं इसके बाद वाला बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल ग्रुप मैंने आपसे बताया था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो, किसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल ग्रुप। अब आप बताओ, यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे CH3 आपने रख दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H रख दिया, ये कौन सा ग्रुप है, बताओ भाई, एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है,
एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे सी एस थ्री रहे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ रहे और यहाँ पे सी एस थ्री रहती है, कौन सा कीटोन? कीटोन। अगर यहाँ पे सी एस थ्री रहे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ रहे, यहाँ पे सी एल रहती है, कौन सा ग्रुपक? बताओ भाई, एसिड क्लोराइड। क्या है? एसिड क्लोराइड। वही यहाँ पे सी एस थ्री रहे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे ओ एच रहती है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर मान लो वही यहाँ पे सी एस थ्री रहे और यहाँ पे सी डबल ओ और यहाँ पे एन एस टू रहे, तो कौन सा ग्रुप है ये? अरे भाई, एमाइड ग्रुप है, एमाइड, एमाइड ग्रुप है यार। तो आप लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है क्या कि कार्बोनिल का मतलब वही बात है, सी डबल बॉन्ड हो और उसके बगल में कुछ भी जुड़ता गया तो नाम चेंज होता गया। क्या आपको आइडिया लग गया क्या? यस तो मैं स्पीड बढ़ाया हूँ। अब स्पीड बढ़ाने का यही मतलब है कि आप लोग तो मेरे स्पीड से चलेंगे ही और साथ ही साथ इसी स्पीड से क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। बिना इसके बहुत मुश्किल है। आप लोग मेरे स्पीड से तो चलोगे ही, साथ ही साथ क्या करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे। क्लियर है बातें? यस यस। तो आओ थोड़ा सा हेलो एल्केन हेलो एरिन के बारे में देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, जैसे कि मानो हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन है, और मान लो हमारे पास कोई सी एस थ्री है। तो सिंपल सी बात है, जो रिंग नहीं बनाया है, जो रिंग नहीं बनाया या फिर जो एरोमेटिक नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफैटिक। क्या बोलेंगे? एलिफैटिक। और ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। सबसे पहले आप बताओ कि जो हेलो एल्केन होता है उसमें कौन कौन से तो क्या बोलते हैं कंपाउंड होते हैं? कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। यस सर। एरोमेटिक वाला भी कार्बन हाइड्रोजन से मिला है और यह एलिफैटिक वाला भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो होता क्या है, अगर मानो यहाँ पे तो हाइड्रोजन होता है, अगर किसी एक हाइड्रोजन को किसी हेलो ग्रुप से आप रिप्लेस कर दोगे, अब हेलो ग्रुप में कुछ भी आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। तो जैसे कि मानो मैंने इस वाले हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन से, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो इसी को बोलेंगे हेलो एरिन। अब हेलो एरिन का क्या मतलब है? हेलो यहाँ पे क्या चीज है? क्लोरो है। और एरिन क्या चीज है? बेंजीन है। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। क्लियर है? क्या बात है? yes, अब yes. जैसे कि मान लो यह एथेन है, यह क्या है? एथेन है। इसके एक हाइड्रोजन को मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो क्या इसका फोटो कुछ ऐसे बन जाएगा? बोलो। Yes, इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था हेलो एल्केन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एल्केन। अब भाई एल्केन में एथेन ही तो है ना, एल्केन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एथेन। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। किसी को भी कुछ डाउट क्यों इसका नाम ऐसे है? बताओ भाई। किसी को डाउट है कुछ? नो सर। इथेन की बजाय इथाइल भी तो हो सकता था ना? क्या बोल रहे हो? सर इथेन की बजाय इथाइल भी तो हो सकता। हो सकता था। सीधी सी बात है, एक ग्रुप रहेगा हेलो एल्केन वाला, मतलब इस टाइप का ग्रुप रहेगा और उस पे कोई भी हेलो ग्रुप लगा दोगे, ठीक है? ओके सर। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल आपसे बताया था, देखो सबसे पहले हेलो एल्केन की बात करेंगे। यहाँ पे C2H5 है और इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है, तो C2H5 मतलब C2 मान लो कि कोई एथेन है, C2H6 है, इसका एक हाइड्रोजन क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। इसी को क्या बोल दिया? मोनो हेलो एल्केन। या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो? मोनो हेलो एल्केन का क्या मतलब है? जो है यहाँ पे हेलोजन है वो एक ही है, या फिर आप इसको क्लोरोएथेन बोल सकते हो या फिर मोनो हेलो एल्केन बोल सकते हो। अब यहाँ पे दूसरे वाले में आओ, दूसरे वाले में देखो क्या वही हेलोजन दो जुड़ा है क्या?
इसको डाई हेलोएल्केन बोल सकते हो या फिर नंबर टू, तो ऐसे बोल सकते हो वन टू डाई, मान लेते हैं एक्स की जगह क्लोरो है क्लोरीन है, तो क्या बोला डाई क्लोरो एथेन, एथेन कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। इसी में इसको ऐसे बोल सकते हो वन टू थ्री ट्राई क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन है ना ये? यस सर, यस सर। अब नीचे वाले में आते हैं हेलोएरीन, हेलोएरीन का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे बेंजीन है और पहले नंबर पे क्या है क्लोरीन है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोबेंजीन या फिर मोनो हेलो एरिन। अब यहाँ पे क्लोरो नहीं लगा सकते क्या? क्या लगा सकते हो यार, देखो एक्स का क्या मतलब है क्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर आप ब्रोमीन लगाओगे तो ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन बोलोगे, क्लोरीन लगाओगे तो फ्लोरोबेंजीन बोलोगे, आयोडीन लगाओगे तो आयोडोबेंजीन बोलोगे। बोलो भाई क्लियर है क्या? ओके सर, यस सर। तीसरे वाले का अगर नॉमिनिक्लेचर लिखना है तो नंबरिंग कर लो, वन टू थ्री ऐसे बोल सकते हो वन टू थ्री ट्राई क्लोरो बेंजीन, ट्राई हेलो बेंजीन। किसी को कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। देखो यहाँ पे वही अगर ये हेलोजन वन डिग्री कार्बन पे जुड़ा होगा तो इसको वन डिग्री बोलेंगे हेलो हेलोजन, वही अगर हेलोजन ये टू डिग्री पे जुड़ा होगा, देखो इस कार्बन से दो कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन टू डिग्री है, ये सेकेंडरी हेलोजन हो गया और यह टर्सरी हो गया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर इस चैप्टर की काफी सारी रिएक्शंस तो हम आप पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं जो आपने पढ़ाया, फिर ये चैप्टर आप रिवीजन पर्पस से दोबारा करा रहे हैं? रिवीजन नहीं करा रहा, जैसे कि हेलो एल्केन हेलो एरीन है ना, इसमें थोड़ा सा अलग है, जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया है ना थोड़ा सा अलग है, तो मैं सोचा कि एक बार ओवरऑल आप लोग को व्यू दे दूं ताकि आप लोग पढ़ के भी कर सकते हो, ठीक है? हाँ ये बताओ आप लोग के ये जो स्कूल में मिड टर्म एग्जाम होते हैं वो कब होता है? किसी को कुछ डेट पता है क्या? सर अभी डेट नहीं है, 15 के पास कोई बात नहीं, ये जाहिर सी बात है हेलो लेकिन हेलो अरी ना के आएगा, देखो सोचा हूँ कि ओवरऑल आप लोग को एक दिन में व्यू दे दूँ, ठीक है? अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है एलाइलिक हैलाइड, क्या लिखा है एलाइलिक हैलाइड, जैसे कि मानो आपके पास कुछ ऐसे CH2 CH2 CH और यहाँ पे Cl है, तो देखो अगर किसी डबल बॉन्ड है और उसके जस्ट वाले कार्बन पे कोई भी कोई हेलो ग्रुप जुड़ा है तो यह हेलो ग्रुप कौन सा हेलो ग्रुप कहलाएगा? एलाइलिक हेलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाएगा? एलाइलिक। सीधी सी बात है, अगर मानो कोई हमारे पास डबल बॉन्ड है और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन पोजीशन एलाइलिक कार्बन बोला जाएगा, कौन सा कार्बन बोला जाएगा? एलाइलिक कार्बन। आप बताओ इस एलाइलिक कार्बन पे अगर आप क्लोरीन जोड़ दोगे ये एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा? बोलो भाई। यस सर। अगर आप उसी पे OH जोड़ दोगे तो एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा? यस सर। क्लियर है क्या बातें? बोलो भाई। Yes. हमारे पास यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे सी एच और यहाँ पे ब्रोमीन, तो अब बताओ यह कार्बन कौन सा है? एलाइलिक कार्बन है। Yes, sir. Yes, sir. वैसे ही अगर मैं बेंजीन बना दू, मैं कुछ ऐसे बना दू, सबसे पहले साइक्लोहेक्जेन बनाता हूँ मैं, अब देखो यह वाला जो कार्बन है वह कौन सा कार्बन है जिसपे क्लोरीन जुड़ा हूं? एलाइलिक है, क्योंकि जस्ट इसके बगल वाले पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में जो कार्बन खाली है उसपे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब कुछ भी जुड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यह वाला पोजीशन क्या बोला जाएगा? एलाइलिक। और यह वाला पोजीशन भी एलाइलिक बोला जाएगा लेकिन इस वाले डबल बॉन्ड के लिए। क्लियर है क्या बातें? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और जस्ट उसके बगल में यह वाला पोजीशन क्या है? एलाइलिक है। एलाइलिक वाला भी पोजीशन क्या होगा? एलाइलिक ही होगा। नीचे वाला भी जस्ट इसके पोजीशन क्या होगा? एलाइलिक। देखो यहाँ पे
सिंपल सी बात है, जैसे कि मानो मैंने क्या बना दिया, एक मैंने बेंजीन बना दिया और बेंजीन पे यहाँ पे CH2 लिख दिया और यहाँ पे X लिख दिया। अब सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और जस्ट एक कार्बन खाली है और इसी कार्बन पे कुछ भी जुड़ा हो, यह वाला भी कार्बन क्या बोला जाएगा? लाइल। अगर यह बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक। क्लियर है क्या बातें? यस सर। सर यार दोबारा बताना एक बार। तो आपसे पूछेगा हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल है, क्या बोलेगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या मतलब है? CH2OH, यही हो तो, यही तो हुआ ना, बोलो भाई। इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, बेंजील बोलते हैं। बेंजील देखो IUPAC नाम तो अलग बात है, लेकिन इसका एक ना व्यवहारिक नाम भी होता है, जैसे कि मानो कॉमन नेम, वही व्यवहारिक नाम बोला जाता है, कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है। क्लियर है बातें? सर एक बेंजीन में कितनी अल्काइलिक पोजीशन होती है? क्या पूछ रहे हो? एक बेंजीन में कितनी अल्काइलिक पोजीशन होती है? आवाज नहीं आ रही आपकी, कट के आ रही है। ये पूछ रहा है कि एक बेंजीन में कितनी अल्काइलिक पोजीशंस होती है। अब सिंपल सी बात है, आप बताओ, बेंजीन में तो कोई अल्काइलिक पोजीशन नहीं होती है। एलाइलिक बोल रहा है या फिर अल्काइल? देखो एलाइलिक बोल रहा है सर। अब आप बताओ, अब यहाँ पे अगर CH2 नहीं होता तो क्या यह एलाइलिक होता? क्या नहीं होता? आप लोग चेक करना की उसमें कोई डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन है तो वही एलाइलिक होगा, दूसरा नहीं होगा। क्लियर है बातें? यस सर। अब दूसरा आता है विनाइलिक। क्या आता है? विनाइलिक। कि मान लो हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे कार्बन है, अगर इस कार्बन पे कोई क्लोरीन जुड़ा होगा तो यह कौन सा कार्बन है? एलाइलिक है। एलाइलिक। अगर इस वाले कार्बन से मानो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाला कार्बन क्या है? एलाइलिक। लेकिन वाला कार्बन आता है विनाइलिक है। क्या है? विनाइलिक। विनाइलिक। अगर कोई बोल दे कि आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग एलाइलिक क्लोराइड बनाओ, एलाइलिक क्लोराइड, तो आप लोग क्या बोलोगे? CH2 सॉरी यहाँ पे CH होगा, CH2 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्लोरीन, यह क्लोरीन कौन सा है? एलाइलिक है। लेकिन वही कुछ ऐसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या फिर CH3 कर लो जो भी हो, और यहाँ पे क्लोरीन लिख लो, तो जस्ट डबल बॉन्ड के पास जो क्लोरीन जुड़ा होगा ना, यह कौन सा क्लोरीन होगा? विनाइलिक। कोई दिक्कत क्या? तो क्या होता है कि डायरेक्टली यह नाम देके पूछ देता है कि एलाइलिक विनाइलिक ये सब, तो आपको नाम नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा दिक्कत होगी आप लोग। क्लियर है क्या बात है? यस सर। बाकी सब तो आप लोग नॉमिनक्लेचर कर लोगे? यस सर। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप? अमित आप लोग क्या पूछ रहे हो? बेंजाइलिक और विनाइलिक में क्या अंतर होता है? बेंजाइलिक और विनाइलिक, सिंपल सी बात है, आपने क्या बोला? बेंजाइलिक। आप बताओ, बेंजाइलिक के लिए आपको एक बेंजीन बनाना जरूरी है? यस सर। और यहाँ पे CH2, बच्चों यह इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजील ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप होता है? बेंजील। अगर आप इस पे OH लगा दोगे तो आप इसको क्या बोलोगे? बेंजील अल्कोहल, या फिर आप इसको क्या बोलोगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल। बेंजाइलिक क्यों बोलोगे? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड की जस्ट बगल में क्या है? CH2 है, और इस पे कुछ भी जुड़ा हो, अगर क्लोरीन जुड़ा हो तो बेंजाइलिक क्लोराइड बोलेंगे, अगर OH जुड़ा हो तो बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है क्या बातें? अगर मान लो किसी से NH2 ग्रुप जुड़ा हो तो NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? एमीन। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir.
बताओ भाई, बताओ दीपिका, क्लियर है क्या आपको? यस सर। तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग को भी करना पड़ेगा सर। तो ये बताओ, नॉमिनक्लेचर तो आप लोग पढ़े होंगे, मैंने काफी बार आप लोग से बोला था। यस सर। यस सर। देखो ये ब्रोमो बेंजीन हो गया, ये 1,3 ब्रोमो बेंजीन हो गया, क्लियर है क्या? यस सर। या फिर मेटा ब्रोमो बेंजीन हो गया, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया। एक पोजीशन पे ब्रोमो है, जस्ट इसके मेटा वाले पोजीशन पे भी ब्रोमो है, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया। ये सब आप लोग कर लेना, ठीक है? ये एनसीईआरटी का है तो आप लोग को जरूरी पड़ेगा। सर मेरा वाईफाई हैंग हो गया था, इस वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन। आप कई दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डेली लेट कर रहा हूँ। अब देखो एक और टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे कि मानो हमारे पास CH3CH, यहाँ पे क्लोरीन है और सेम कार्बन पे क्लोरीन है। अगर सेम कार्बन पे आपको दो क्लोरीन मिल जाता है तो आप इसको क्या बोलोगे? जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलोगे? जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड। अगर सेम कार्बन पे आपको दो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर कुछ भी मिल जाए तो आप उसको जेमिनल बोलोगे। लेकिन जस्ट उसके बगल वाले कार्बन पे मिले, विसिनल, तो बगल कार्बन पे मिले तो आप उसको क्या बोलोगे? विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलोगे? विसिनल डाइहैलाइड। ये तो हुआ विसिनल डाइहैलाइड, तो हुआ इसका कॉमन है। लेकिन यूपीएससी नाम 1,1 डाइक्लोरोएथेन हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोएथेन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? सेम कार्बन पे रहे तो जेमिनल, अलग अलग कार्बन पे रहे तो विसिनल। ये बच्चों इसका कुछ कॉमन नाम है, अगर आप इसको चेक करोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा और इसका यूपीएससी नेम कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर आप लोग इसको बोलोगे तो इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। मैंने आपको बोला था कि इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजिल ग्रुप बोलते हैं। जाहिर सी बात है, क्लोरीन लोग लगा दोगे तो बेंजिल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा दोगे तो बेंजिल ब्रोमाइड। क्लियर है? yes, sir. क्या सर इसके दोनों ही नाम याद रखने पड़ेंगे, आईयूपीएससी एंड ब्रोमाइड दोनों ही नाम? क्योंकि पता है क्या, कॉमन नाम से ये बुला देता है, कॉमन नाम से अक्सर पूछ लेता है, और खासकर तो जेई के लोगों से पूछता है, खासकर जेई वाले में यह पूछता है, कॉमन नेम दे देगा और पूछ लेगा कुछ भी, ठीक है? तो आप लोग को साथ ही साथ क्या काम करना है? कॉमन नेम भी याद करना है, कॉमन नेम भी याद करना है। अब देखो इसके बोल रहा है कि इसने ये कुछ ऐसे दे दिया C5H11 ब्रोमीन। अब बोल रहा है कि आप क्या करो कि इसके आइसोमर बनाओ, इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? 8। तो आप लोग इसको बनाते रहना आइसोमर, जैसे कि मानो कार्बन 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 कार्बन, एक बार ब्रोमीन पहले नंबर पे डालना, एक बार दूसरे नंबर पे डालना, एक बार तीसरे नंबर पे डालना, एक बार क्या करना कि साइक्लिक बना देना, ऐसे कुछ भी, एक बार ऐसे ऐसे कर देना, मतलब कैसे भी करके आपको 8 तक बना लेना है। और आप लोग जितना भी बनाओगे सबका आपको क्या करना है? आईयूपीएससी नेम लिखना है। क्या करना है? आईयूपीएससी नेम लिखना। क्लियर है क्या होते? यस सर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सर आईयूपीएससी नेम कैसे लिखूं? यार आईयूपीएससी नेम आप लोग को मैंने बोला था ना जब मैं जीओसी पढ़ा रहा था कि आप लोग एक अच्छा यूट्यूब का लेक्चर देख के कर लेना, क्योंकि 11th का टॉपिक है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मान लो कि अगर डायरेक्टली नाम दे दिया जाए, कुछ दिया जाए, तो आपको क्वेश्चन आता हुआ भी नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आता हुआ भी नहीं कर पाओगे। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे, यह एच है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बताओ भाई? और इसको बी बोलते हैं। आपको पता होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको पता है और आप लोग आसानी से कर लोगे। लेकिन ऐसे बोल देगा कि बताओ भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ऐसे पूछ देगा। तो आपको आता हुआ भी अगर आप पाइथागोरस का नाम नहीं याद होगा, नहीं सुने हुए कभी, तो क्या कर लोगे? क्या
नहीं कर पाओ। तो हमको तो पता है कि आपको आता है, लेकिन अगर आप पाइथागोरस का नाम ही नहीं सुने होगे तो आपको लगेगा कि क्या कुछ नया पूछ रहा है क्या ये, लगेगा ना कुछ नया पूछ रहा है क्या ये। तो साथ ही साथ नाम भी याद करना है। और नाम आप लोग कैसे याद करोगे, आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उससे पढ़ते जाओ। जब पढ़ते जाओगे तो अपनी गलतियां पता चलेंगी आपको कि हम कहाँ कहाँ गलत है। और आप लोग सॉल्व पेपर लगाओ जो पहले से सॉल्व हो, दो तीन पेपर लगा लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा, मतलब पहले नहीं धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दिक्कत किसी को? नो सर। सीधी सी बात है, आप बताओ इन चारों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? सर फ्लोर दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रीन दिया हुआ सर फ्लोरिंग के। और यह बॉन्ड लेंथ भी दिया हुआ, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? तो देखो आयोडीन वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। अब पता है कैसे आयोडीन वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? सीधी सी बात है, जैसे कि मानो यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे आयोडीन है। जैसे कि मान लो यह भी एक एटम है, यह भी एक एटम है, यह भी एक एटम है, यह भी एक एटम है। आप बताओ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इसके इसके चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन है इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में इसके पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और जब खींचेगा तो क्या दोनों पास पास आ जाएंगे? बोलो भाई। यस सर। पास आ जाएंगे तो आप बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटा होगा, तीस हो जाएगा। और यह इतना नहीं खींच पाएगा, जब इतना नहीं खींच पाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में क्या होगा? लंबा होगा, बिग होगा। क्लियर है क्या बात है आप सबको? आप बताओ भाई, जब जब दोनों एकदम पास पास है तो तोड़ना ईजी, या फिर जब दोनों दूर दूर है तो तोड़ना ईजी है? पास पास सर, जब पास पास है तब अगर मानो हमारे पास एक छोटी सी लकड़ी है और एक बड़ी सी लकड़ी है, आप किसको हाथ से तोड़ दोगे इजीली? सेकंड वाले को, बड़े वाले को सर, बड़ी वाली लकड़ी होता है उसको तोड़ना थोड़ा इजी होता है। इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी देखें तो फ्लोरीन वाले की ज्यादा होगी और नीचे वाले की कम होगी। क्लियर हो गया क्या बातें? अब यह बोल रहा है कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हम हेलो एल्केन को बनाएंगे कैसे? अब दिया है सबसे पहला ऑप्शन दिया है एल्कोहल से बनाना है। किससे बनाना है? एल्कोहल से बनाना है। तो सबसे पहले यह बताओ हमारे पास एक एल्कोहल है और इसमें हमने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। HCl के पास क्या डाल दिया? ZnCl2 डाल दिया। अब बताओ भाई यह कौन सा रिएजेंट है? मैंने आपको बताया था सर लुकास रिएजेंट। बिल्कुल ल्यूकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? ल्यूकास रिएजेंट। आप बताओ ल्यूकास रिएजेंट का काम क्या है? 1 degree, 2 degree, or 3 degree अल्कोहल में डिस्टिंगाइज करना। 1 degree, 2 degree, 3 degree अल्कोहल में डिस्टिंगाइज करना। आप बताओ अगर टर्बिडिटी आती है इस रिएक्शन से तो सबसे पहले सबसे ज्यादा टर्बिडिटी किसमें आएगी? सबसे पहले 3 degree वाले में, फिर 2 degree वाले में, फिर 1 degree वाले में। क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा रहे हैं और मैंने बता रखा है। क्लियर है बातें? तो देखो इसने क्या किया, एल्कोहल में HCl डाल दिया और ZnCl2 डाल दिया। तो आप बताओ क्या हेलो एल्केन बन गया क्या? यस सर। अगर वही ये NaBr डालता और साथ ही साथ H2SO4 डाल देता तो RBr बन गया। अगर आप बताओ, मैंने ये भी क्वेश्चन बताया था आपसे, सेम बताया था, अगर हमारे पास ROH हो और इसमें क्या हो? PCl3 हो, तो यहाँ पे 3 की जरूरत पड़ती है और इससे क्या बनता है? 3RCl और क्या बनता है? 3HCl बनता है। कुछ ऐसे बनता है, H3PO3 बनता था। क्या बनेगा? H3PO3 बनेगा। लेकिन वही अगर PCl5 होगा तो RCl बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। क्या मैंने आपसे ऐसे कुछ बताया था? बताया था। तो ये और भी रिएक्शन है। मानो हमारे पास कोई अल्कोहल है, आप उसमें रेड फास्फोरस डाल दो और रेड फास्फोरस के साथ साथ कोई भी क्या डाल दो? हेलो ग्रुप डाल दो, जैसे कि ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो जाके चिपक जाएगा इससे। और मैंने यह भी बताया था, ROH हो और SOCl2 हो,
इससे क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और HCl हो जाएगा। बच्चों मैंने हम लोगों ने तीन एग्जांपल पढ़ा था, तीन नहीं दो पढ़ा था, SN1 SN2 और एक और याद रख लो बच्चों, एक होता है SNI। क्या होता है, तो यह एग्जांपल है ना वो SNI का है, याद कर लेना। यही एक एग्जांपल पूछता है और कोई नहीं पूछता है, यही एक एग्जांपल होता है कोई नहीं पूछता है, कौन सा ये है SNI। क्लियर? क्या नो नीड टू डिस्क्राइब, क्या मतलब है, क्या पूछ रहे हो आप लोग, क्या ग्रुप में बातें कर रहे हो आप लोग यार चैट बॉक्स में? सर ग्रुप में पता नहीं कर रहे सर, हम ये पूछ रहे हैं सर अगर ये रिटन फॉर्मेट में आएगा तो इसे कैसे लिखेंगे? क्या पूछ रहे हो सर? मतलब इसे रिटन फॉर्मेट में आएगा सर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो? ऐसे पूछेगा, क्या होता है जब हम एल्कोहल में SOCl2 को मिलाते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन वी मिक्स एल्कोहल इन SOCl2, ऐसे पूछेगा। तो आपको डायरेक्टली रिएक्शन लिखना होगा, कुछ नहीं। ओके सर। हाँ ऐसे पूछता है सर, ये मैं बता रहा था, घुमा फिरा के पूछ देगा, ऐसे कुछ भी पूछ देगा, लेकिन उसका मोटो वही रहेगा, उसका मेन थीम वही रहेगा कि आप रिएक्शन बता दो। आप लोगों ने तो यह पढ़ाई है भाई, ये वाला तो पढ़ाई है आपको। yes. Yes, कर लेना। ये वाला भी मैंने पढ़ाया एडिशन रिएक्शन में, किस नाम से पढ़ाया था? एडिशन। जैसे कि मानो कोई HX है, तो H के पास प्लस है, X के पास माइनस है, यह वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे H जुड़ जाएगा, और इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे X जुड़ जाएगा। क्या मैंने ऐसे सेम बताया था आप लोग से? अब देखो इसमें हमारे पास दो जगह है, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकोव रूल। क्लियर है क्या बात? यस सर। ये सब मैंने आप लोग को बता रखा है सब। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे है और इसमें डाल दिया हमने ब्रोमीन, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। यहाँ पे CCl4 क्या काम करेगा? मीडियम का, सॉल्वेंट का काम करेगा, मीडियम का काम करेगा। यहाँ पे विसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, विसिनल डाइब्रोमाइड, दोनों पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। क्लियर है क्या बातें? अब देखो टॉपिक है हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज का क्या मतलब है? हैलोजन एक्सचेंज का मतलब है जैसे कि मानो यहाँ पे RCl है और हम चाहते हैं कि यह वाला हैलोजन यहाँ से हट जाए, दूसरा हैलोजन जुड़ जाए, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज। अब ये याद रखो यह एक नेम रिएक्शन होता है और इस नेम को रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। अगर मानो किसी में हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है तो कौन से नेम रिएक्शन के अंडर आएगा? फिनकेल्स्टीन। यह आपसे ऐसे पूछ सकता है। क्लियर है क्या बात है? यस यस। बोलो भाई, किसी को डाउट? नो सर। तो आप लोग को प्रैक्टिस ही करना है और कुछ ज्यादा है नहीं। देखो यह भी क्या है, यह भी बताओ क्या हैलोजन एक्सचेंज है? क्या पहले ब्रोमीन हुआ करता था, क्लोरीन हो गया? यस सर। कर लेना यार आप लोग। अब देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमें बनाना है, हमें क्या बनाना है कि हमें बनाना है हैलोरीन, हैलोकेन या फिर हैलोरीन कुछ भी बनाओ। अब हमें किससे बनाना है? हाइड्रोकार्बन से बनाना है और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके। आप बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे CH3 है और इसमें कोई भी Cl2 डाल दिया और इसमें आयरन डाल दिया। अब आयरन को आपको पता है आयरन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल होगा तो? यस सर। क्लोरीन और क्लोरीन, एक क्लोरीन नेगेटिव वाले को छोड़ देगा, दूसरा क्लोरीन पॉजिटिव वाला बच जाएगा। अब यह पॉजिटिव वाला क्लोरीन इसके कौन से पोजीशन पे जुड़ेगा आप बताओ? यह हाइपर कंजुगेशन करेगा तो एक बार अपने ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज लाएगा और एक बार पोजीशन और एक बार पैरा। आप बताओ एक बार ऑर्थो हेलो टॉलुइन। देखो इसका जो नाम होता है, इसका जो नाम होता है वो टॉलुइन होता है। क्या नाम होता है? टॉलुइन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 11th में पढ़े होंगे इस टॉलुइन को नाम तो। यस सर। तो पता है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एक बार हेलो मतलब मानो अगर क्लोरीन हो तो आर्थो क्लोरोटॉलुइन हो जाएगा और एक बार पैरा क्लोरोटॉलुइन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो क्या होता है,
हमारे पास यह एमीन ग्रुप है, एनिलीन है, क्या है? एनिलीन है, बताओ भाई, एनिलीन है। अब इस एनिलीन में क्या होता है, इस एनिलीन में हम लोग क्या डालते हैं, NaNO2, और क्या डालते हैं, HCl डालते हैं, HCl डालते हैं, और हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पता है बच्चों, अगर आप किसी भी NH2 ग्रुप में NaNO2 और HCl डाल दोगे तो जो NH2 ग्रुप होगा वो क्या बना देगा, N2 प्लस और Cl माइनस, ऐसे बना देगा। कोई डाउट क्या? और यह बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो आप इसमें अगर CuX2 मिला दोगे, जैसे कि Cu2Cl2, अगर ऐसे कुछ मिला दोगे तो इसका जो क्लोरीन है ना, इस N2Cl को हटा देगा और उसकी जगह पे क्या होगा, जाके चिपक जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसे बना लेगा। कोई प्रॉब्लम क्या? सर मतलब जैसे एक दोस्त गया तो ये कमजोर निकला तो उसका दोस्त आके चिपक जाएगा? आवाज नहीं आ रही सर, कुछ नहीं। आप लोग की वॉइस कट के आ रही है? मेरी भी वॉइस कट के आ रही है क्या ऐसे? नो सर। अब देखो जैसे कि मानो हमारे पास कोई एग्जांपल दिया था, देखो जैसे कि मानो हमारे पास कोई एक ऐसा ग्रुप है और यहाँ पे के आई है, तो हमने क्या बोला था, जो एन टू एक्स है यानी कि एन टू प्लस और सी एल माइनस, यह क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल, कोई भी आएगा इसको हटा के चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या? आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मानो ऐसे पूछ लेगा यहाँ पे N2Cl ऐसे बना देगा और यहाँ पे लिख देगा Ki, तो आप बताओ आयोडीन इस वाले को रिप्लेस कर देगा? यस सर। अनस्टेबल है, क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, बताओ भाई? और यहाँ पे N2S बाहर निकल जाएगा। यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से दे सकता था, किस तरीके से देगा कि आपको एक एनिलीन दे देगा, क्या दे देगा, एनिलीन दे देगा, और इस एनिलीन पे आपको NaNO2 दे देगा और HCl दे देगा, और इसमें टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताओ क्या किसी एनिलीन में अगर ये वाली हम कंडीशन लगा दे तो इस NH2 का इसमें कन्वर्जन हो जाएगा क्या, बोलो भाई? Yes, हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसके बाद इसने Ki डाल दिया, फिर Ki से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कैसे पूछेगा ये आपको, ऐसे दे देगा। किसी का माइक खुला हुआ है क्या बैकग्राउंड में? किसी का ना, किसी कौन है? एक मिनट मैं देखता हूँ किसका माइक ऑन है भाई, बंद कर लो। देखो अगर मान लो हमारे पास ऐसे होगा, एनिलीन होगा, इसके पहले स्टेप में क्या देगा, NaNO2। अब देखो भाई NaNO2 की जगह HNO2 भी दे सकता है, क्लियर है बातें? और क्या देगा, HCl देगा, और इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और दूसरे स्टेप में क्या दे देगा आपको, Ki दे देगा। तो बताओ आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या बन गया सर? तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, यह डायरेक्टली आपसे दे देगा, लेकिन आपका काम क्या है कि आपको समझना है कि पहले स्टेप में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे स्टेप में। आपसे ये भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि ऐसे भी दे सकता है, जैसे कि मानो यहाँ पे कुछ ऐसे दे दिया, मान लो कि यहाँ पे पिछले वाला कॉन्सेप्ट था वो दोबारा बता दो एक बार, ये वाला। यस सर। देखो जब मैं बताता हूँ, जैसे कि मानो आपके पास NaNH2 दे दिया और एरो के ऊपर क्या लगा दिया, HNO2 और HCl, और टेम्परेचर कितना रख दिया, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे लिख दिया A, और फिर इस A में जो भी प्रोडक्ट बना आपसे इसमें क्या डालने के लिए बोलेगा, आपको बोल देगा कि आप Ki डाल दो। अब यहाँ पे लिख दिया B, तो ये पूछेगा बता दो भाई A और B को क्या है, ऐसे पूछ सकता है। तो आप बताओ अगर कोई हमारे पास NH2 ग्रुप है और उसने उसमें आपने NH2 और HCl डाल दिया तो क्या बनेगा, N2Cl बनेगा? Yes, sir. और यह क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। यहाँ पे Ki का जो आई आएगा इसको हटा देगा, और yes, हटा देगा क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, आई लग जाएगा, आई लग जाएगा। आप बताओ ए और बी प्रोडक्ट आपको मिल गया? Yes, sir. तो यही एक प्रोसेस है। अब बताओ आपको मैंने 2-3 तरीके से बता दिया, वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। इसी तरीके से आपको इसमें नेम डाल देगा,
निम क्या डालेगा कि ऐसे बोल देगा कि क्या बोलते कि बताओ भाई मेरे पास एक एनिलीन है, मैंने उसमें HNO2 और HCl डाल दिया, ऐसे कुछ डाल दिया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये तो हो गया, आपने कर लिया। सर ये सारे जो इक्वेशंस हैं ये प्रैक्टिकल्स में दिए हुए हैं क्या? ये किसी भी जितने भी क्वेश्चंस आपने बताए थे ये प्रैक्टिकल्स में दिए हुए थे, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि तीनों जो मैंने तीन चार तरीके बताए ना, उन तीन चार तरीके से सेम क्वेश्चन को पूछा था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आंसर तो हमारा मतलब प्रोसेस वही है, लेकिन वो किसी भी तरीके से क्या कर सकता है, पूछ सकता है। कर लेना यार एक क्वेश्चन, इन सबके आंसर दिए होंगे आप लोग, देखो नीचे भी दिए होंगे। यस सर। अब बाकी रहा यार ये बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ लेना। अब क्या आ गया? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन आ गया? न्यूक्लियोफिलिक में आपने क्या क्या पढ़ा था? SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। और मैंने बताया था SNI, और उसका एग्जांपल मैंने बताया था जैसे कि मानो उसमें अक्सर SOCl2 दिया होता है। क्लियर है बातें? यस सर। थायोनिल क्लोराइड, देखो यह रिएजेंट वगैरह है, यह न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का खासियत क्या होता है? उस पे या फिर लोन पेयर होता है या फिर माइनस चार्ज होता है। क्लियर है बातें? yes, कर लेना यार आप लोग, कोशिश करना। ये बताओ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है? सर मैंने एक आप लोग को बताया था, क्या बताया था, जैसे कि मानो हमारे पास एक में क्या बनता है, आर सी एन बनता है और एक में आर एन सी बनता है। आर सी एन किस में बनता है बताओ भाई, अगर आप इसमें HCN डालोगे तो, और RNC कब बनता है बताओ भाई, अगर आप इसमें AgCN डालो तो। कैसे मैंने बताया था क्या? यस सर। HCN का आयनिक रीजन दिया था और AgCN का कौन सा रीजन दिया था? कोवेलेंट। तो यार आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, आप लोग को सब एक एक बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मानो एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल था, मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया था, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने में दिख गया कि पूछ सकता है यार, पूछ सकता है कुछ भी। आप बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, SN1 या फिर SN2? सर SN2। क्योंकि सीधी सी बात है, एक तो सबसे पहले बैक से अटैक कर रहा है, ऊपर से यह एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, और जब ये इसको धक्का मारेगा तो यह निकल जाएगा, मतलब पहले दोनों एक साथ होते हैं। देखो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताओ भाई, sp3। और इस ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d होगा। यस एटम जुड़ गया ना। यस और फिर उसके बाद sp3 हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें? यस सर। बीच वाले का sp3d क्यों होगा? ये देखो ये बॉल के माध्यम से बताया गया, बॉल से, जैसे कि मानो यह लिविंग ग्रुप है, यह आया इधर, इसको धक्का दिया, एक साथ दोनों जुड़ गए और इसको निकाल दिया गया। सही, वो धक्का होता है, भी धक्का देता है उसे। बताओ भाई सर, वो जो बीच वाला था, बीच वाले को sp3d2 क्यों होगा? क्या बोल रहे हो? बीच वाला है, बीच वाले में sp3d क्यों होगा? अब देखो आप बताओ इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है? पांच। पांच बनेंगे ना। अब पांच होगा तो sp3d होगा। क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं? यस बताया। तो सीधी सी बात है, सब एक दूसरे से लिंक है, सब एक दूसरे से लिंक है, और हम बार बार पीछे नहीं जा सकते, तो यही आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको सब आता है पीछे का। कर लेना यार, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देखो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ये सबसे पहली बात है हिंड्रेंस का। देखो अगर मानो SN2 हमने पढ़ा,
तो SN2 में सबसे पहले 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री को सबसे कम वैल्यू दिया जाता है। क्यों कम वैल्यू दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, हिंड्रेंस 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 अपने बोल चाल की भाषा में हिंड्रेंस को क्या बोलोगे? भीड़ भाड़, बल्कि ग्रुप। अरे बोल चाल की भाषा में यार, आप लोग ये बताओ अपने घर में किसी को बोलोगे बल्कि ग्रुप है तो क्या जानेगा वो बल्कि ग्रुप है? डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस नहीं बोल सकते वो तो भाई अपने पास है। हिंड्रेंस बोल सकते, भीड़ भाड़ है वहां पे, भीड़ भाड़ है, निकलना मुश्किल है। आप बताओ अगर दिल्ली में कहीं जाम लग जाते तो क्या आप लोग निकल लेते हो क्या? मानो न्यूक्लियोफाइल ना गुंडा है और क्लोरीन को मारना है और भीड़ भाड़ लग जाए दिल्ली में वो जा रहा है, अगर मानो कहीं ट्रैफिक लग जाए क्या न्यूक्लियोफाइल मार पाएगा क्या उसको? नो सर, टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा अब इसके बाद आता है SN1 में बच्चों कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन बनेगा तो आपको पता ही होगा क्या होगा। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले sp3 था, फिर उसके बाद क्या हुआ? sp2 हुआ, फिर बाद में क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो पढ़ लेना यार ये सब मैंने बता दिया आप लोग को, ये सब मैंने क्या किया आप लोग को बता दिया। मुझे नहीं लग रहा हेलो एल्केन हेलो एरिन टफ है, नहीं है ना? अरे खत्म भी हो गया यार चैप्टर, निकायरलिटी ये तो मैंने उसमें कहां पढ़ाते हम लोग? कॉर्डिनेशन कंपाउंड में सिमेट्री सर में देखनी होती है सर, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था। बिल्कुल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये मिरर इमेज वगैरह ये सब देखो, कायरल ए कायरल सेम ही है सर, ये उनसे रिलेटेड है सर। और वो प्लेन पोलराइज्ड वाला भी पढ़ा दिया था, पीपीएल। देखो इन्वर्जन का क्या नाम है? इन्वर्जन का मतलब यही है कि मानो कि यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे मतलब कोई चीज था और इसके पीछे से अटैक करके इसको हटा दिया, जो इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता था वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और यह कौन से रिएक्शन में होता था? SN2 में होता था। कुछ ऐसे रेसमिक मिक्सर का क्या मतलब होता है सर? जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। सिंपल सी बात है, रेसमिक मिक्सर का क्या मतलब होता है? होता यह है कि मानो हमने एक कंपाउंड बनाया और उसका जैसे कि मान लो हमारे पास ये है CH3CH2Cl और यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यह एक कंपाउंड है। यह कंपाउंड कौन सा है? D है, ठीक है, क्योंकि इसका OH क्या है? राइट साइड है। सेम इसी का कंपाउंड L है, वो भी क्या होगा? तो वो OH क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। बोलो भाई। अगर मान लो 50% डी बना और 50% एल बना तो दोनों की परसेंटेज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। कि दोनों की परसेंटेज अगर किसी कंपाउंड में दो कंपाउंड बनते हैं और दोनों की परसेंटेज सेम है तो उसी को क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सर। क्या बोलते हैं? अगर बताओ एक डी वाला 70% होता और एल वाला 30% होता तो क्या यह रेसमिक मिक्सर होता? क्यों? क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. और कुछ दिख नहीं रहा यार मुझे, सब वही बात है यार। SN1 SN2 रिटेंशन ये वही सब है आपका, इलिमिनेशन रिएक्शन है। ये बताओ ये कौन सा इलिमिनेशन रिएक्शन है? बता दो भाई, E1 या फिर E2? ये तो आप लोग बता सकते हो ना सर, ये B1 है। B1 कहाँ से आ गया? E2 है। क्या आप लोग सोच के E2 बताए हो? दीपिका बताओ, इसमें क्या दिख रहा है कि हम इसको E2 बोले हैं? अरे भाई E1 में क्या होता था? कार्बोकैटायन बनता था, E2 में नहीं बनता था। और E2 दो टाइप के होते थे, बीटा इलिमिनेशन, नहीं समझे क्या? आप बताओ जिसपे क्लोरीन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है और उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन है। किसमें होता था? E2 में होता था ना। यस सर। और जो बाहर निकलने वाला ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिविंग ग्रुप बोलेंगे। इसी में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी होता था ना? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी इसी में होता था, इलिमिनेशन में। और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का रिएजेंट कौन कौन सा होता था बता दो भाई? P4O10
H2SO4 और भी एक दो रिएजेंट होते थे सर, KOH KOH भी होता था। पढ़ना आप लोग पढ़ना, किसी को कोई दिक्कत क्या बता दो भाई? नो सर। ये बताओ एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? सर निकाल देना, एलिमिनेट कर। और सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी को उसकी जगह पे डाल देना। हाँ, किसी को उसकी जगह पे डाल देना, किसी को उसकी जगह पे डाल देना। तो देखो एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ। ये बताओ ये कौन सा रिएजेंट है? सर ग्रिगनार्ड। और ये जो एम जी होगा वो प्लस में जाएगा, आर किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। कुछ ज्यादा तो दिख नहीं रहा यार मुझे, ये सब आप लोग पढ़े हो, सब आप लोग क्या पढ़े हो? पढ़े हो जैसे कि मान लो एक वुड जे रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? वुड जे रिएक्शन है। जैसे कि मान लो आपको क्या बनाना है? सी एस थ्री। आपको क्या बनाना है? एल मतलब एथेन बनाना है। किससे? मेथेन से। किससे बनाना है? मेथेन से, या फिर आपको क्लोरोमेथेन से बनाना है। क्लोरोमेथेन क्या होगा? सी एस थ्री सी एल। तो आपको क्या करना है? टू टाइम सी एस थ्री सी एल ले लेना है, और उसमें क्या डाल लेना है? टू एन ए डाल लेना है। तो क्या होगा? टू एन ए सी एल निकल जाएगा, यानी कि दो एन ए सी एल निकल जाएगा। और जो इसका सी एस थ्री होगा और जो इसके दूसरे पार्ट का सी एस थ्री होगा, दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? सी एस थ्री बना लेंगे। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? जैसे कि मान लो हमको क्या बनाना है? ब्यूटेन बनाना है। क्या बनाना है? ब्यूटेन बनाना है। और किससे बनाना है? आप बताओ किससे बनाऊं मैं? सर इथेन से। मान लो कि आप क्लोरोएथेन से बना ले, तो आपके पास क्या होगा? सी एस थ्री सी एच टू सी एल कुछ ऐसे होगा। आप क्या ले लो? आप टू टाइम्स ले लो, और आप क्या ले लो? टू एन ए ले लो। तो आप बताओ टू एन ए सी एल बन जाएगा। Yes, और यहाँ से जो होगा और इसी का जो दूसरा पार्ट होगा, आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे ना। बोलो भाई। यस सर। यस सर। अगर मान लो आपको किससे बनाना होता, मान लो आपको क्लोरोमेथेन से बनाना होता, यानी कि सी एस थ्री सी एल से बनाना होता, तो आप क्या करो? यहाँ पे टू टाइम्स ले लो, और आप इसमें क्या कर दो? आप इसमें दो सोडियम डाल दो, तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? CS3 सर मीथेन से ब्यूटेन कैसे बनेगा? ये तो डबल होगा। ये बताओ क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? बताओ भाई। यस और 2NaCl बाहर निकल जाएगा। अब आप इसमें क्या डाल दो? आप इसमें क्लोरीन डाल दो, और क्या डाल दो? लाइट डाल दो। जब क्लोरीन और लाइट डालोगे तो क्या हो जाता था? CS3 CL कुछ ऐसे हो जाता था। बोलो भाई। यस सर। अब फिर से आप इसको 2 टाइम्स ले लो और 2Na ले लो, तो क्या बन जाएगा? क्या ब्यूटेन? Yes, sir. तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जन। इसी को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। तो आपको अगर प्रोसेस पता होगा कैसे क्या करना है, तो कन्वर्जन आप इजीली क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर प्रोसेस नहीं पता होगा तो कन्वर्जन में थोड़ा मुश्किलें होती हैं। क्लियर है बातें? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर देखो बच्चों, अगर मानो, चलो ऐसे अच्छी बात है, कर लोगे, कोई दिक्कत क्या किसी को? ना सर। अगर मान लो आपको इससे बोल दिया जाए, किससे बोल दिया जाए? इससे। जैसे कि मान लो आपके पास CH3CH2OH है, आपको इससे क्या बोला जाए कि आप ब्यूटेन बना दो। क्या बना दो? ब्यूटेन बना दो। तो कितने लोग इसको बना लोगे? पहले वाले से हमें क्या बनाना है? ब्यूटेन। कैसे बनाओगे? तनिष्का कैसे बनाओगे? तनिष्का सर इसमें 2Na डालेंगे। कहां से 2Na डालोगे? वो तो हेलो के लिए होता था, क्लोरीन के लिए होता था, OH के लिए थोड़ी होता था। सबसे पहले आप बताओ, अगर क्या हम इसमें H2SO4 डाल दें, देखना भाई, क्या हम इसमें H2SO4 डाल दें और हीट कर दें, तो आप बताओ H2SO4 किसका काम करेगा? डिहाइड्रेटिंग का। यहां से वाटर निकलेगा और यहां से H निकलेगा, क्या क्या इलिमिनेशन हो जाएगा? Yes, sir. बताओ भाई, या फिर छोड़ो यार, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इस वजह से। वैसे बन जाएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस लगेगा,
बन जाएगा, इसमें क्या लगेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगेगा। अब देखो, अब इसमें हम एक हैलोजिनेशन करा देते हैं। हैलोजिनेशन का क्या, हैलोजिनेशन से हाइड्रोजिनेशन। आप बताओ अगर आप इसमें H2N2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, CH3 हो जाएगा क्या? यस सर, हो जाएगा। अब फिर आप इसमें क्या डाल दो, क्लोरीन डाल दो और लाइट डाल दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। आप इसको 2 times ले लो और 2Na ले लो, आप बताओ क्या CH3 CH2 CH2 और CH3 ऐसे बन जाएगा क्या? Yes. तो आपके दिमाग में हर एक चीज होना चाहिए, आपके दिमाग में हर एक चीज होना चाहिए कि कब कैसे क्या हो रहा है। त्रिशा बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? दीपिका आप बताओ, समझ आया कि नहीं आया? कहाँ गए सर, भाग गए लोग क्या आप लोग? सर आ गए, आ गया। तो सिंपल सी बात है, पहले आप लोग कौन सा क्वेश्चन करोगे, सॉल्व क्वेश्चन करोगे, देख के करोगे। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, देख के करना है, उसके बाद बिना देखे करना है। समझ गए आप लोग? सबसे पहले आपको क्या करना है, देख के करना है। आपके पास कहीं प्रैक्टिस पेपर होगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा भेजने वाला, कन्वर्जन वाला आप लोग देखना कैसे कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आता है वो कन्वर्जन का ही आता है और कुछ नहीं आता है। भाई प्रोपेन से ब्यूटेन में कन्वर्ट करो, ब्यूटेन से इसमें कन्वर्ट करो, इससे इसमें कन्वर्ट करो, यही सब आता है। और आपको ये कब पता होगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। मुझे पता है कि आप लोग को आता था, ये बताओ ये सभी प्रोसेस सबको आता था क्या, सबने पढ़ा है? Yes, sir. दिमाग में तो नहीं आ रहा था ना कि हाँ ऐसे ऐसे होगा? यस सर, नहीं आ रहा था, मैं बताया तो फिर आपको आ गया। अब देखो कन्वर्जन कई तरीके से हो सकते हैं, कई लोग कुछ और रूल लगा सकते हैं, कई लोग कुछ और रूल लगा सकते हैं, तो ये सब आपके ऊपर है, आप लोग कैसे मैनेज करते हो। ये है कि प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को समझ आने लगेगा कि इसके बाद क्या मिला है, इसके बाद क्या मिला है। किसी को डाउट है क्या? हाँ जी बताओ सर, सेट्जेफ रिएक्शन भी इसी में है ना, बता दीजिए। सेट्जेफ रिएक्शन इसमें कहाँ है, ये बताओ ना। सेट्जेफ रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए होता था, वो तो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में बता दिया ऑलरेडी। ओके सर, शायद मेरा मिस हो गया, मुझे याद नहीं था। हाँ आप उसमें देखना रिकॉर्डेड लेक्चर में, सभी कोई चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दे अपना। साक्षी समझ आया क्या आपको? यस सर। शैली क्या आपको समझ आया क्या? यस सर। दीपिका आप बताओ? यार सिंपल सी बात है, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। और यह चैप्टर भी कोई टफ नहीं है, यह चैप्टर भी क्या है, कोई टफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर का जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं किस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं बताओ भाई? कन्वर्जन से आते हैं। किससे आते हैं? कन्वर्जन से। बोलेगा इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ये चैप्टर सबसे ज्यादा इसी से पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग कन्वर्जन तभी आएगा जब आप लोग कम से कम खुद से 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 30-40, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। आप बताओ भाई, T4 एक्सटेंड डाल देता तो भी तो पानी निकालता ना वो? हाँ, अगर मानो मैंने HNO2 डाल दिया और HCl डाल दिया और उसमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बताओ NH2 को क्या कर देगा, N2Cl में कन्वर्ट कर देगा, वो हाईली अनस्टेबल होता है। आप उसमें कुछ भी डाल दो, OH डालोगे तो भी हटा देगा, Cl डालोगे तो भी हटा देगा, कुछ भी डालो हटा देगा, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। क्लियर है बातें? चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सर।